नमस्कार स्टूडेंट, जैसा आपको पता होगा कि हमने जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसकी थ्योरी क्लासेस जो हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं, और आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। वो आपके उत्तराखंड के भी हैं, बाहर अदर स्टेट के जो PCS एग्जाम्स हैं वहाँ पर भी जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वहाँ पर हम लेंगे। और आज की इस वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो MCQ है वो MCQ आपको किस तरीके से पढ़ने चाहिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण आपका है, महापरिनिर्वाण मतलब होता है आपका मृत्यु। क्या होगा? महापरिनिर्वाण मतलब आपका जो है मृत्यु। तो ये मृत्यु आपके कहाँ पे हुई है? ये आपका जो है कुशीनगर में हुई है। कहाँ पे हुई है? कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध के जन्म से रिलेटेड आपको चार स्थान बिल्कुल याद होने चाहिए। जन्म जो है उनका कहाँ पे हुआ है? जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त उनको बोधगया में प्राप्त हुआ। फिर जो उनका पहला प्रवचन है, ठीक है, पहला प्रवचन जो है वो आपका उन्होंने कहाँ दिया? वो उन्होंने आपका सारनाथ में दिया। और जो उनकी आपकी मृत्यु होती है, वो मृत्यु आपकी कहाँ पे होती है? वो उनकी मृत्यु जो है वो आपका कुशीनगर में होती है। कहाँ पे होती है? कुशीनगर में जो है उनकी आपकी मृत्यु होती है। तो ये देखिए आपका अलग अलग जो स्टेट PCS है वहाँ पर आपका क्वेश्चन बन के आया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कनिष्क के, ये देखिए सेम ही क्वेश्चन है बट दो अलग अलग तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? या चतुर्थ बौद्ध संघ थी, चार बौद्ध संघ थी आपको बताऊंगी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आपकी जो है, तो चतुर्थ आपकी जो है वो किसके काल में हुई थी? वो आपका कनिष्क के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर जो आपका है वहाँ पर हुई थी। और यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वो आपका किस में बढ़ गया था? वो आपका हीनयान और महायान। कहाँ पे बढ़ गया था? हीनयान और महायान, इन दो शाखाओं में जो है वो आपका जो ये बट गया था। ठीक है, तो ये देखिए आपका दो एक ही क्वेश्चन है, दो अलग अलग तरीके से आपका जो है वो बन के यहाँ पे आया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी, देखिए कहाँ कहाँ पे आपका पूछा गया है। महावीर स्वामी जो आपके कौन है? महावीर स्वामी जो हैं वो आपके जैन धर्म वाले जो हैं, जैन धर्म वाले, ये इनका आपका जन्म है। इनका जन्म आपका कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म आपका कुंडग्राम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम जो है वो आपका इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का, ठीक है, 16 महाजनपद की अगर हम बात करें उसमें 8 तो आपके उत्तर प्रदेश में ही थे, ठीक है, जिसमें आपका मगध जो है वो सबसे बड़ा था। तो ये हमको किसमें बताया गया? ये एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय एक आपका बौद्ध ग्रंथ है। वहाँ पर आपका 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया। कुरु है, अवंती है, ठीक है, और भी बहुत सारे आपके यहाँ पे हैं। इसमें एक जो है अस्मक सबसे, यानी 15 जो थे वो आपके नॉर्थ में थे, एक अस्मक जो है वो आपका कहाँ पे है? वो आपका साउथ में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? महाकाल उज्जैन, ठीक है, महाकाल उज्जैन जो है इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका जो है इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध में नंद वंश का संस्थापक आपका कौन था? मगध में नंद वंश का संस्थापक, देखिए आपने यहाँ पे मगध में अगर आपने बात करी होगी तो हरियक वंश आपने पढ़ा होगा, नाग वंश जो आपका है शिशुनाग वाला जो है, ठीक है, वो होगा। उसके बाद आपने मगध में जो है नंद वंश जो है वो आपने पढ़ा होगा। तो नंद वंश का जो संस्थापक है वो आपका कौन है? वो आपका महापद्मनंद है। कौन है? महापद्मनंद। और जो धनानंद है, ये धनानंद कौन है? धनानंद आपका अंतिम शासक है, ठीक है। धनानंद के बाद, धनानंद को हराया चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर उसके बाद यहाँ से आपका मौर्य वंश जो है वो मौर्य वंश की आपकी शुरुआत होती है। उत्तराखंड PCS में आपका क्वेश्चन पूछा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा जो है वो 100 डेज का चैलेंज बैच चल रहा है, जिसमें हमारी ऐप में आपको 4 बजे लाइव क्लास पढ़ाई जाती है, 5 बजे आपको यूट्यूब पे, यानी जो आप ये क्लास देख रहे हैं ये यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, ये 5 बजे आपको डेली बेसिस पे मिलती है। 9 बजे की आपको फिर से हमारी ऐप में वहाँ पर MCQ की प्रैक्टिस कराई जाती है, इसके बाद रिकॉर्डेड वीडियोज मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, संडे का जो आपका मॉकअप टेस्ट है वो आपको मिलता है, ठीक है, फिर व्हाट्सएप सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। मोटिवेशनल, अगर आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील करें तो आप निश्चित तौर पर हमसे बात करके मोटिवेटेड रहेंगे, मेहनत करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त
का प्रभाव पश्चिम भारत पे था। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि चंद्रगुप्त जो है वो मगध में था, मगध यानी आज का जो बिहार, पाटलिपुत्र, पटना वाला जो इलाका है पूर्वी हिस्से में, तो वहां से लेकर तक्षशिला तक फैला था। आचार्य चाणक्य कहाँ के? आचार्य चाणक्य आपके तक्षशिला के, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा जो है वो आपका चंद्रगुप्त का जो है वो यहाँ पे आपका प्रभाव था। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका कौन सा है? इसका है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रुद्र दमन का जो आपका जूनागढ़ अभिलेख है इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप जो है वो आपका सम्राट अशोक ने बनवाया था। सबसे बड़ा स्तूप जो है वो सांची का स्तूप है, ठीक है। ये स्तूप आपके किससे संबंधित है? ये आपका बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? प्राकृत भाषा में आपके लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख आपके कहाँ पे हैं? जेम्स प्रिंसेप ने जो है सबसे पहले आपके किसने पढ़े? जेम्स प्रिंसेप ने आपका सबसे पहले पढ़े, आपका उत्तराखंड में भी है, कालसी नामक एक जगह है देहरादून के पास। किसके पास? देहरादून के पास कालसी नामक एक आपका जगह है, वहाँ पर आपका अभिषेक का जो अशोक का है शिलालेख हमको मिला है, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने आपका पढ़ा है। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ये आपका कौन था? ये आपका मौर्य काल में, अच्छा मौर्य काल पूछा हुआ है, ओके मैंने यहाँ पे आपके लिए गलत कर दिया। इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या है? इसका सही आंसर है आपका तक्षशिला। मौर्य काल की अगर हम बात करें तो तक्षशिला पेशावर जो आपका इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो हिस्सा है वहाँ पर है। आचार्य चाणक्य की बात करें तो आचार्य चाणक्य जो हैं वो आचार्य चाणक्य आपके तक्षशिला के ही थे। जो नालंदा था, ये नालंदा तो आपका गुप्त वंश में आपका जो है गुप्त वंश में आया। कुमारगुप्त जो है, कुमारगुप्त के ने जो है इसकी आपकी क्या है, कुमारगुप्त ने आपकी इसकी स्थापना की थी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया, तो गिरनार का जो आपका है वो किसने करवाया? वो आपका जो है अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका जो है झील का निर्माण करवाया। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, शक संवत, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का जो सरकारी राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत आपका है, तो ये जो है ये कनिष्क ने जो है आपका 78 ईस्वी में, ठीक है, कनिष्क का जो आपका 78 ईस्वी वाला जो है ये आपका शक संवत है। ऐसी आपका विक्रम संवत होता है, गुप्त संवत होता है, गुप्त संवत 319, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जो है वो आपका बन के आ जाता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन तीन बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन आपका किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है वो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है वो आपका समुद्रगुप्त जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी को आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फाइयान, ह्वेनसांग और फाइयान दो आपके हैं, फाइयान जो आपका है ये किसके शासनकाल में आया? फाइयान की अगर हम बात करें तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसने विक्रमादित्य की आपकी जो है उपाधि जो है आपका ली थी, तो उसके शासनकाल में जो है फाइयान आपका जो है भारत में आता है। वुडू फाइयान आपका कौन है? फाइयान जो है एक आपका चीनी यात्री है। कौन है? फाइयान जो है वो आपका एक चीनी यात्री है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, देखिए कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बाबा रामदेव को आप याद कर लें तो रामदेव जी की जो आपकी कंपनी है पतंजलि, वही आपके योग दर्शन के क्या हैं? प्रतिपालक, प्रतिपादक आपके हैं। प्रत्येक वर्ष 21 जून कौन सा दिवस मनाते हैं हम? आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो हम प्रत्येक वर्ष 21 जून को जो है वो हम मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्याय दर्शन, आपने मीमांसा ये सारा को सुना हुआ, न्याय दर्शन जो है वो आपका ऋषि गौतम के द्वारा जो है, ऋषि गौतम के द्वारा आपका शुरू किया गया था। देखिए कब कब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो ऋषि गौतम जो है, ऋषि गौतम ने आपका प्रचारित किया था। अगला क्वेश्चन, खजुराहो, देखिए कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण के सहयोगी आपके थे, ये आपका क्या आंसर है? इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर जो है ए, चंदेल, 17th का जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, चंदेल जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं,
कहाँ पे है ये? ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो आपका नरसिंह देव वर्मन, ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव वर्मन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, ठीक है, बहुत साउथ की एक मूवी देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से उसमें जो है ये पिक्चराइज किया गया है, ठीक है। नीचे साउथ की अगर आप बात करें, चेर, चोल और पांड्य, ये तीन राजवंश आपके नीचे साउथ में थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका चोल। जो चोल है वो अपनी नौ सैनिक शक्तियों के लिए जो है वो आपका प्रसिद्ध था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? इजी क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में आपका जो है मदुरई में स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पे मैं आपको जो हमारी पुरानी एक रिकॉर्डेड वीडियो है कि एमसीक्यू कैसे पढ़ें वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि एमसीक्यू जो है वो किस तरीके से आपको पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, ये उत्तराखंड पीसीएस में भी आपका पूछा गया है। तो लोथल जो है वो आपका पहला जो आपका, अगर हम गोदीवाड़ा बंदरगाह की बात करें वो आपका है, और ये कहाँ पे है? ये आपका गुजरात जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अभी एमसीक्यू में इतना ही, अभी आप देखेंगे कि एमसीक्यू हम कैसे पढ़ें। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू पढ़ने का सही तरीका। तो स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि सर जब हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो हमको वो याद नहीं होता है, या हम जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो वो भी हमको जो है याद नहीं होती है, एमसीक्यू से हम आपका पढ़ सकते हैं? तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, एमसीक्यू हम कैसे पढ़ें, ठीक है। एमसीक्यू पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो आपका क्या होता है? अब पहले मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट हैं वो गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन आपका वन लाइनर के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। चार, जैसे ऑब्जेक्टिव में आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो सीधा उसको याद कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया। स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी कॉपी में लिखते हैं किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया, और नीचे सीधा ऑप्शन आप लिख देते हैं भैरव दत्त जोशी, जो उसका सही उत्तर है। अब वो इतना ही याद करते हैं, लेकिन ये याद करने का तरीका उतना अच्छा नहीं है। आपको साथ में जो है वो किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एमसीक्यू क्या पढ़ने से ही आपको सफलता मिल जाएगी? बिल्कुल। देखिए, आप थ्योरी एक बार पढ़ सकते हैं, उसके बाद जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। हम एक इन जनरल अगर बात करके चलते हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में जो है वो 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके? 100 क्वेश्चंस आते हैं, और आज के हिसाब से अगर हम देखें कि उस 100 में से अगर आप 75 क्वेश्चन जो हैं वो 75 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं, ठीक है, अब आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? केवल 75। ये 75 को करने के लिए अगर आप यहाँ पर 5 से 6 हज़ार एमसीक्यू आप पढ़ते हैं, कितने? 5 से 6 हज़ार एमसीक्यू अगर आप पढ़ते हैं और उसको इस तरीके से पढ़ते हैं जैसा मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप जो है निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करेंगे। अगर हम पर्टिकुलर उत्तराखंड में जो UK SSSC एग्ज़ाम है, या इस तरीके के जो आपके ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं जहां पर आपका फैक्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आप देखेंगे जो परीक्षावाणी है, ठीक है, परीक्षावाणी में आपके लगभग 1200 से ऊपर आपके एमसीक्यू हैं। अगर ये 1200 आप कर लेते हैं तो आपके 40 में से आप मान के चलेगा कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं इसी परीक्षावाणी से। 1200 अगर पढ़ लेते हैं तो 20-25 क्वेश्चन आपको वहाँ से बन जाते हैं। फिर कुछ और भी आप बुक्स देख सकते हैं, या इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर के जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा, क्वेश्चन वहीं पे ऑप्शन जो है वो घुमा देते हैं। और मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं होता है, उसके ऑप्शंस उसको टफ या आसान बना देते हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा इस बात को, कोई भी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका टफ नहीं होता है, उसके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस उसको क्या बना देते हैं, वो ऑप्शंस उसको आपका जो है वो टफ बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब पढ़ने का मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन था किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया, आपके यहाँ पे चार ऑप्शन है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो जो दांडी मार्च है उसके बारे में भी आपको नोट्स बना लेने, ठीक है,
ठीक है, आपको दांडी मार्च के बारे में आपको लिख लेना है कि ये 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक आपका हुआ। फिर थोड़ा सा आप लिख सकते हैं ये किस बारे में था, नमक सत्याग्रह के बारे में था। फिर ये कहाँ से कहाँ तक चली, अहमदाबाद से दांडी तक चली। इसमें कुल कितने लोग थे, 78 लोग थे, 3 उसमें उत्तराखंड के थे। तीनों कौन कौन से थे, एक ज्योतिराम जी थे, एक भैरवदत्त जी थे, एक गोरखा खड्ग बहादुर थे। तो ये सारा जब आप लिखेंगे अपनी जब कॉपी आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप वहाँ पर इसको लिखेंगे, जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको इसके सब के बारे में क्या है, हर ऑप्शन के बारे में आपको जो है वो पता लग जाएगा। फिर ऐसे ही आप नागेंद्र सकलानी जी के बारे में एक छोटी सी लाइन वहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन वो लिख सकते हैं। चलिए ये तो एक क्वेश्चन के बारे में आपका हो गया और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, आंसर आपको पता होगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। लेकिन अब आपको क्या करना है, केवल अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको जो बाकी तीन ऑप्शन और दिए हुए हैं, गुमानी पंत, ये बद्रीदत्त जोशी नहीं होगी, बद्रीदत्त पांडे जी होगा, ठीक है, और इंद्रमणि बडोनी। तो आप गुमानी पंत के आगे क्या लिख देंगे, लोक रत्न पंत आप लिख देंगे। ठीक है, उनका जो मूल नाम आपका था, कवि थे, काशीपुर से आपका संबंध रखते थे। ठीक है, फिर बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में आप लिख देंगे। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के आपके संपादक बने 1913 में, 1918 में एक नए पत्र जब ये आपका अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया, फिर शक्ति अखबार ही आपका लेके आए, इनको कुमाऊं केसरी के नाम से आपका जाना जाता है। फिर आप इंद्रमणि बडोनी के बारे में लिखेंगे कि ये इनको क्या बोला जाता है, उत्तराखंड का गांधी आपका बोला जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप जब लिखेंगे और जब फिर उसको रिवाइज करेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर याद आ जाएंगी। फिर आगे हम चलते हैं, अब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपका आए जहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने कुमाऊं के कितने जनपद जो हैं वो गढ़वाल की सीमा से आपके मिलते हैं, तो यहां पर आप क्या करेंगे, एक छोटा सा मैप आप साइड में बना लेंगे, कलरफुल अगर आप मैप बनाएं, और वहां पर अगर आप जैसे बहुत बार लोग क्या करते हैं प्रिंट आउट निकाल के भी चिपका लेते हैं, छोटे से आप बना लीजिएगा और आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हों तो आप जो है वो मैप के बेस पे ही पढ़ें, जहाँ पर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं हल्का सा एक ड्रॉ कर लें, कोई एग्जैक्ट सेम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, बस ये, और यहाँ पे आप दो हिस्से कर दीजिए, इधर आप जो अगर ऐसे लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये चमोली वाला हिस्सा है, ठीक है, और जो नीचे ये आपका पौड़ी वाला हिस्सा है, ऐसे यहाँ पे आपके जो हैं वो चार हिस्से हैं। ठीक है, वो अप्रोक्स आप बनाएं, एग्जैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे आपको जो चीज़ें हैं वो आपको क्या होंगी यहाँ पे याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप एमसीक्यू पढ़ लेंगे। और फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर जो ये आपके एमसीक्यू हैं आप लगभग अगर आप मान के चलिएगा कि अगर आप 5 से 6 हज़ार एमसीक्यू पूरे पेपर के लिए आप पढ़ लेते हैं, उसमें से 5 से 6 हज़ार में से आपको कितने क्वेश्चन फंसने चाहिए, 100 क्वेश्चन आपके फंसने हैं, उस 100 में से भी आपको कितने सही करके आने हैं, आपको 75 सही करने हैं। अटेम्प्ट आप भले ही ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन वो अभी बात का केस है। अब ये आप समझिएगा कि अगर आपके पढ़े हुए 5-6 हज़ार क्वेश्चंस में से अगर आपके 100 क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो प्लानिंग है वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इस तरीके में आपका गड़बड़ नहीं है। आप मेरी इस बात से कहाँ तक संतुष्ट हैं इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको ये पढ़ने का तरीका कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत बार हम लोग कहते हैं ना कि आपको कंसेप्ट समझना चाहिए या किस तरीके से उसको आपको करना चाहिए, लेकिन बहुत बार जो स्टूडेंट होते हैं वो याद करने में आपका माहिर होते हैं, उनको फैक्ट आप कुछ भी पूछ लीजिए, ठीक है, वो थोड़ा सा और चीज़ों में आपका कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब उनसे फैक्ट पूछे जाते हैं तो उनके टिप्स पर आपके वो होते हैं, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कर लिए हैं। इसमें आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी आप पढ़ें, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो एग्जामिनर है, जो पेपर पैटर्न है, वो किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन से घुमाने हैं, नई नई चीज़ें थोड़ी ला सकते हैं, ऑप्शन घुमाए जा सकते हैं, ऑप्शन से ही आपको क्वेश्चन बना के नीचे क्वेश्चन के फिर 4-5 ऑप्शन आपको बन सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो ये वीडियो है यहीं पर आपका समाप्त होता है, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई और भी तरीका यहाँ पे पढ़ना हो समझना हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप सभी को बेस्ट विशेष, हम मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।